यहाँ आके एक मसला हो गया कि हमारी जो लाइट्स थी उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। हमारा डैमेज पूरा है भाई। हाँ वही वो कह रहा था, वो उसको लग गई तब से मैं डॉक्टर के पास गया नहीं कि इधर मैं ठीक कर रहा हूँ इधर थोड़ा तूफान चलो लाइट ही अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे से हैं। अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और मैं आज जा रहा हूँ नाइट कैंपिंग के लिए। मेरे साथ इश्फाक भाई जुड़ रहे हैं, मेरे साथ दानिश भाई जुड़ रहे हैं। तो अभी यू नो 2 बजे के आसपास हमारा प्लान बन गया है नाइट कैंपिंग का। तो अभी जो तैयारियाँ थी वो ऑलमोस्ट मैंने कम्प्लीट कर दी है। सामान जो भी मुझे लाना था वो मैंने मोटरसाइकिल पे पैक कर दिया है। अभी बस निकलने की तैयारी है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप कि आपको मज़ा आएगा। मिलते हैं सीधे मोटरसाइकिल पे। जी बाहर की आमद आप देख सकते हो, माशाल्लाह हर तरफ खूबसूरत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। ये जी नाले बुनार के नज़ारे, पूरा साल इसमें पानी होता है। ये देखिए जी नज़ारे नज़दीक से, मतलब यहाँ पे आज के डेट में बुनार का अपना पानी भी होता था, लगभग इससे थोड़ा कम ही, और किशनगंगा का भी पानी इसमें मिक्स होता है। मतलब ये 12 महीने अब इसमें इतना पानी ऑलमोस्ट होता ही होता है। हमारे साइड के खूबसूरत नज़ारे और वो है राजदान वाला पहाड़। इश्फाक भाई को मैंने बोला था कि मैं 7 मिनट में उस तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन सामान थोड़ा लिया इसके लिए थोड़ा डिले हो गया। और भाई दिवे अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ जाना है, वो तो वहीं पहुंच के ही फिर डिसाइड होगा। ये देखिए आप, वाह 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 वाह, क्या मस्त फील आ रहा है। स्प्रिंग का बहार बहार आ चुकी है, वाह। हम लोग पहुंच गए हैं नोपोरा। इश्फाक भाई चौक में, गुलशन चौक में मेरा वेट कर रहे हैं। आई थिंक दानिश भाई भी वहां पहुंच गए होंगे। बस यही चीज़ है कि शाम के टाइम पे ना, इस वाले टाइम पे थोड़ा जाम मिलता है यहाँ। ये मेन रोड है और दाएँ बाएँ दोनों साइड पे हमारा मार्केट है यहाँ, जो आगे बहुत लगभग 3-4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यही खासियत है हमारे यहाँ के मार्केट की। यहाँ पे राइट साइड से हमारा फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट है यहाँ से, और ये रहा हमारा गुलशन चौक। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक क्या लगा, मज़ा आया मुलाकात को बड़ सीर। अभी दानिश भाई का वेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है अभी पेंडिंग है उनको लाने के लिए वो गए हैं। अभी तक भी कोई डिसाइड नहीं हुआ है ना, अभी तक हमारा स्पॉट डिसाइडेड नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि टेंट्स वगैरह जो है वो लाइट में ही लगे, है ना। हाँ तब जाके मज़ा आता। तो देखते हैं कहाँ का प्लान बनेगा। ये है अपने गुलशन चौक के शाम के नज़ारे, बहुत खूबसूरत। रात बज गए हैं और अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कहाँ जाना है, अभी भी मशवरा चल रहा है। इश्फाक भाई कह रहे हैं कि अठफतू जाएंगे और दानिश भाई कह रहे हैं कि चतरनार। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेट हो रहा है, मज़ा नहीं आएगा फिर। सलाम अलैकुम, ठीक शो शुक्र है भाई, मैं तो तब मानूंगा जब हम मार्केट से बाहर निकलेंगे। चलो जी, दानिश भाई को लीड करने पे छोड़ा हमने, हम लोग इनको फॉलो करेंगे। शाम के 7:05 हो चुके हैं। अचानक से जो प्लान्स बनते हैं ना वही सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उनमें क्या है, एक प्रॉब्लम होती है कि तैयारियां पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। और अभी हमें नहीं पता हमने क्या क्या सामान उठा लिया है। मतलब दानिश भाई ने कुछ सामान मुझे बोला था उठाने के लिए, और कुछ सामान ये खुद लेके आ रहे हैं, मुझे नहीं पता। अब मैंने सारा उठाया, इन्होंने सारा उठाया, तो देखते हैं वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा। मुझे नहीं पता इन लोगों ने डिसाइड किया है कहाँ जाना है, और आगे जंक्शन पे पता चलेगा। अगर हम राइट गए तो चतरनार, अगर लेफ्ट ले लिए तो अठवत्तू। कहाँ से निकलना है, लेफ्ट से, मतलब ठीक है, हमें अठवत्तू का प्लान जो है सक्सेसफुल हो गया है।
कैंपिंग तो उस साइड की नहीं, बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हैं अठवतु पे, आज कैंपिंग वाला व्लॉग आपके साथ शेयर होगा। आज मौसम बहुत खुशगवार है, सर्दी और गर्मी के बीच में जो टेम्परेचर होता है वही वाला टेम्परेचर अभी है। और अठवतु में वैसे आज टेम्परेचर थोड़ा डाउन ही होगा रात को, वैसे हम लोग बदनाम हैं, हम तीनों इनफैक्ट कासिम भाई भी बदनाम है कि ये लोग बदनाम राइडर्स कह सकते हैं कि ये लोग राह चलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग खुद भी सीखते हैं और हमें फ़ख्र इस चीज़ पे होता है कि कोई हमें सिखाए, क्योंकि ज़िंदगी सीखने सिखाने की चीज़ है। ये वाला जो पुल है ये है नाले मधुमती और वो है नाले बुनार, यहाँ इसका संगम है और ये सीधे पड़ता है गुरेज रोड, इसी को फॉलो करके हम चलेंगे। जितना हम ऊपर जा रहे हैं उतना सर्दी का रेशियो बढ़ता जा रहा है। ये है मातरी गांव और यहाँ से गुरेज जाते हैं, अक्सर दिखाता हूँ मैं अपनी वीडियोस में। और आज का एडवेंचर थोड़ा अच्छा, मतलब मज़ेदार होगा, इस साइड में ऑफ रोड मिलेगा करने के लिए। तवारीखी बनकूट चौक, ये जी ऑफ रोड स्टार्ट, ऑफ रोड के मज़े। इतने लेट में आज पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, इतनी शाम के टाइम पे। आप देख सकते हो कि धूल ये लोग उड़ा रहे हैं और मुझे खानी पड़ रही। बाइकर को तो इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है, सब लोग राइड को एंजॉय कर रहे हैं, सैडलिंग में चला रहे। वाह, ये है जी असली एडवेंचर, असली मज़ा राइड करने का। वाह, ये है ज़बरदस्त धूल आ रही है, मतलब रॉ टाइप जो कह रहे हैं ना लोग, रॉ टाइप की राइडिंग अभी हो रही है। मैंने तो सपोर्ट शूज लाया है, पानी घुस गया है जूतों में। मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इतना डस्ट आ रहा है कहने की बात ही नहीं। उफ, अरे यार क्या उड़ा रहे हो, मजे माशाल्लाह, खूबसूरत। अठवतु में आपका खैर मकदम है, हमें उस साइड जाना है ब्रिज क्रॉस करके। कुछ ओ ओ ओ, ओ मैट है भाई, थारा मैट गिर गया रे, टेंट भी गिर गया। कहाँ टेंट, कहीं गिर गया है और अभी उसको देखने जा रहे मैं और दानिश भाई, यहीं पे गिरा था टेंट, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, तो शायद बंजी लूज हो गया था उसकी वजह से। तो ये है जेके टूरिज्म की हट्स, अगर आप कभी प्लान बना रहे हो तो यहाँ पे है स्टेज जेके टूरिज्म की, मगर अभी बंद है, अभी यहाँ इन्होंने नहीं खोला है, 10-15 दिन के बाद ये खुलेंगे। बताओ ना, नहीं नहीं हमें कैंप करना है, चलो। लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, कैंप करने में बहुत टाइम लगेगा। ये यहाँ पे एक प्राइवेट रिजॉर्ट है, ये अभी बंद है, और हम आगे जाके थोड़ी सी जगह देखते हैं जहाँ पे हम कैंप कर सकेंगे। हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे, बस रास्ता जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हम लोग अपने मोटरसाइकिल्स को खींचेंगे। लाइट के हिसाब से लग रहा है कि आगे पीछे हमारी टीम आ रही है। बिस्मिल्लाह, ओह आया, हाँ हाँ